वेद भूषण जी जरा मुझे ये बताइए, संदीप चौधरी जी उसके बाद आपके पास आती हूँ, वेद भूषण जी जरा मुझे मुझे एक बार जरा रिमाइंड करवा दीजिए 90 का दशक और वहां पर पुलिस अधिकारियों का हाल, जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और उसके पूरे परिवार का दबदबा एक पॉलिटिकल पावर होने के बाद किस तरीके का देखने को मिला है, और क्या ये लोग एक अपराधी को अपराध के नजरिए से नहीं देख सकते? देखिए पूर्णिमा जी, ये एक माफिया डॉन है, इनके खिलाफ 64 मुकदमे, आपने 59 बताए थे, उनको 64 कर लें जी। दो मुकदमे मर्डर के उनके आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो चुके हैं। दोबारा बता रहा हूँ, दो मर्डर के मुकदमों में वो अभियुक्त थे और कोर्ट से उनको सजा हो चुकी है। अब आपने 90 के दशक की बात करी है, तो इन्होंने इनकी तारीफ ये सुनिए कितने बढ़िया आदमी थे, कि जब इनको जेलर अवस्थी जेलर थे लखनऊ के अंदर, जब इनको ले जाया गया तो उन्होंने जेलर पर ही रिवॉल्वर तान दी। नंबर दो, एक शैलेंद्र सिंह डीएसपी थे, उन्होंने इनके पास से स्टेनगर बरामद की, तमाम चीजें बरामद हुई, जिस तरह से उसके बाद में बड़ी हिम्मत से उन्होंने इनको अरेस्ट किया, उसके बाद में शैलेंद्र सिंह की इतनी मुश्किलें इन्होंने बढ़ा दी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई कि उनको नौकरी छोड़ जाना पड़ा। वेद भूषण जी, वो तस्वीर याद दिला दीजिए जब किस तरीके से खींचकर शैलेंद्र जी को ले जाया गया एक पुलिस अधिकारी, जब उनको ले जा रहा था कार्रवाई करने के बदले। महू कांड पर आ रहा हूँ, महू कांड के अंदर कृष्णानंद राय के ऊपर 400 गोलियां चलाई गई थी, एक दो नहीं 400, कार को छलनी कर दिया गया था। तो और आपको याद है तो सवाल तो फिर वो राजनीतिक अपराधिकरण को रोकने के लिए क्या कर रही थी, थोड़ा उसके ऊपर भी दिया जाए प्रकाश। और मैं कह रहा हूँ शैलेंद्र सिंह जी बहुत शानदार अधिकारी थे, सैल्यूट करता हूँ, लेकिन पद्म विभूषण शैलेंद्र जी को नहीं मिलता, पद्म विभूषण किसको मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है मुलायम सिंह यादव जी को। तो बीजेपी खुद ही सोच के देखे कि वो किसे पुरस्कृत और सम्मानित कर रही है। अगर अभी बीच में और ये टपक के आगे राहुल लाल जी का रूम में मुझे बताइए ना, पूरा प्रश्न क्लियर, ये बोलने के बावजूद क्लियर, ये बोलने के बावजूद कि राहुल लाल जी आपसे सवाल पूछा जाएगा उस वक्त आप रखिएगा, और अगर आप काउंटर सुनिए एक सेकंड, आप अगर काउंटर रखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इशारा कर दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन बीच में इंटरवन मत करिए सर प्लीज। ग्राउंड पर जिस तरीके की हैपनिंग है जरा चलते हैं, क्योंकि शव रवाना कर दिया गया है, परिवार को सौंपा जा चुका है और इसके बाद ही गाजीपुर लाया जा रहा है शव मुख्तार अंसारी का। एहतेशाम जरा मुझे अपनी लोकेशन से एक बार अपडेट करिएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और अभी कहाँ पर पहुंचा है शव, ये जो काफिला निकला है जिसमें मुख्तार अंसारी का शव है, ये अभी कहाँ तक पहुंचा है और कब तक ये एक्सपेक्ट किया जाए कि गाजीपुर पहुंच जाएगी डेड बॉडी? देखिए, मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा से निकलते हुए चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे सवार हुआ है, जहां पर चित्रकूट पुलिस ने अपनी स्कॉट में लिया है और चित्रकूट पुलिस बकायदा उसको ले जाकर फतेहपुर बॉर्डर पे फतेहपुर पुलिस के अधीन करेगी। हम आपको बता दें, 2 दर्जन से अधिक वाहन में सुरक्षाकर्मी तैनात है, वाहनों में पूरा एक कॉन्कॉय चल रहा है, सबसे पहले पुलिस की 2-3 गाड़ियां चल रही है, उसके बाद ब्रज वाहन चल रहा है, उसके बाद वो एम्बुलेंस है जिसमें उनके मुख्तार अंसारी का शव रखा गया है, और उसके पीछे उनके बेटे की गाड़ी है, उसके पीछे उनकी बहू की गाड़ी है, उसके पीछे पीछे महिला फोर्स तैनात की गई है 2-3 गाड़ियों में, उसके पीछे एक एम्बुलेंस लगाई गई है और उसके पीछे फिर पीएससी की 2 गाड़ियां लगाई गई है, उसके बाद फिर अतिरिक्त पुलिस लगाई गई है, उसमें कुछ सादे वर्दी में पुलिस बल तैनात है। तो ये तकरीबन 2 दर्जन पुलिस बल के साथ रवाना हो गया है। हम आपको बता दें कि 7 घंटे का वक्त लगेगा गाजीपुर पहुंचने में और अंधेरा होने वाला है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उनको रूट क्लियर दिया जाए। तो जैसे ही एक्सप्रेसवे के जरिए ये चित्रकूट में प्रवेश किया है, वहां से इसको फतेहपुर एक्सप्रेसवे पे लिया जा रहा है और फतेहपुर को क्रॉस कराते हुए इसको पूरी तरह से जो प्रयागराज का रूट है उस रूट पे इसको डाला जाएगा एक्सप्रेसवे पे, बाहर प्रयागराज के बाहर होते होते ये धीरे से वाराणसी या भदोही जो रूट है उस पे एक्सप्रेसवे पे जाएगा, वहां से इसको डाइवर्ट किया जाएगा जो बाबतपुर का एयरपोर्ट है उस रूट पे, और बाबतपुर के बाईपास से होते वाराणसी बाईपास को गाजीपुर रूट पे लिया जाएगा। तो 400 से अधिक किलोमीटर का यह सफर है, 7 घंटे में पूरा हो जाएगा, तकरीबन 12 बजे पहुंचने की पूरी उम्मीद है, और 12 बजे पहुंचने
के बाद सीधे बड़ा फाटक शव को ले जाया जाएगा, जहां पे उनका गुसल होगा। गुसल होने के बाद परिवार के लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद खाके सुपुर्द किया जाएगा, वही मिट्टी होगी। हम आपको बता दें पूरा मातम मचा हुआ है वहां पे गाजीपुर में, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दूसरे दिन फातिहे का इंतजाम किया गया है, जो लोग शुभचिंतक है वो उनको बख्शने के लिए फातिहा पढ़ेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 40 दिनों तक कोई ना कोई कार्यक्रम उनके परिवार के लोगों ने रखा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मायनेज भी लेना चाहते हैं। और उनके जो चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं घोसी और मऊ और गाजीपुर में ज्यादा है। ऐसे में पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई और आज जुमे की नमाज पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। काफिले को बीच में एक जगह रोका जाएगा, जहां पे चाय पानी कराई जाएगी, उसके बाद फिर काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अंधेरा होने के साथ साथ ये पुलिस प्रशासन इस बात पर पूरा बल दे रहा है कि काफिले में किसी और वाहन को न एंट्री दिया जाए, इसलिए रूट पर लगातार पुलिस चौकसी बढ़ती जा रही है और उनके काफिले के साथ किसी और को काफिले को नहीं चलने की इजाजत दी जा रही है। और ये पूरी कोशिश है कि देर रात तक गाजीपुर पहुंचने पर रात ही में सुपुर्द के खाक कर दिया जाए, ताकि जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन परिवार के लोग जिस तरह से इल्जाम लगा रहे थे और जिस तरह से आज देखने को मिला कि उनके बेटे ने जिलाधिकारी को पत्र देकर इस बात की गुजारिश किया कि उनके पिता का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से किया जाए कि उनको कहीं ना कहीं जहर दिया गया, उसके बाद उनके बेटे द्वारा जो वीडियो एक ऑडियो क्लिप वायरल की गई वो कल की क्लिप है, परसों की, जब मुख्तार अंसारी ने आखिरी बार अपने परिवार से बात किया था और अपनी परेशानी को दर्द दिया। उससे साफ तौर से जाहिर है कि मुख्तार अंसारी काफी बीमार थे, और जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है उसमें साफ तौर से रिपोर्ट में पता चल चुका है कि मुख्तार की मौत जेल के अंदर हो गई थी। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ एहतिशाम आपके पास, और इसके साथ ही मेरे साथ सुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चित्रकूट का आपने जिक्र किया। मैं सुरेंद्र के पास जाऊंगी, जैसे ही पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का शव पूरे जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ चित्रकूट को क्रॉस करते हुए, सुरेंद्र आपके पास मैं तब आऊंगी। लेकिन उससे पहले संदीप चौधरी जी आपके पास, जरा मुझे आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे ये समझाइए कि ये सियासत क्या नहीं करवाए, कौन है आज मिट्टी में मिलने वाला, सुपुर्दे खाक कौन होने वाला है कल? एक डॉन, एक गैंगस्टर, एक अपराधी मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के इतिहास से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाला कौन है जो वाकिफ नहीं है, लेकिन उसको लेकर सहानुभूति की बाढ़ लगी हुई है। देखिए पूर्णिमा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने मुख्तार और इस तरीके के कई, चाहे आप अतीत की बात कर लीजिए, दूसरे लोग उनको पैदा किया है, उनको सपोर्ट किया है। सपोर्ट इस लेवल पर किया है कि कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी है, आपने देखा पंजाब में ले जाकर किस तरीके से संरक्षण दिया, और 56 लाख का बिल है इसकी केयर करने का, जो आम आदमी पार्टी ने क्लियर करने से मना कर दिया है। तो कांग्रेस का तो जो था इस तरीके की केयर थी जैसे कोई अपने दामाद की करता है। राहुल लाल जी का मैं दर्द समझ सकता हूं, और जो हमारे साथी बैठे हैं राठी जी, ये जो आज बात कर रहे हैं जांच की, पूर्णिमा जी जांच क्या समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की, आजम खान जैसों की नहीं होनी चाहिए, जब सचिन की और गौरव की, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये जाट समाज से आते हैं, उन जाट समाज के दो भाइयों की हत्या कर दी गई, क्या इनको मांग नहीं करनी चाहिए कि आजम खान के खिलाफ जांच होनी चाहिए? जितने भी जाट अधिकारी थे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, सबको ट्रांसफर कर दिया गया। किस तरीके से कत्लेआम हुआ? और मैं बताना चाहता हूँ, मुख्तार अंसारी नहीं मरा है पूर्णिमा मिश्रा जी, ये एक डर मरा है जो लोगों के अंदर डर था। कानून से मारते ना संदीप जी, कोई भी अपराधी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा है कहीं से भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे। लेकिन जिस तरह से आप लोग उनको सजा देने के लिए जो पिछले दरवाजे का रास्ता और संवैधानिक रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम विपक्ष के लोग क्या मांग कर रहे हैं संदीप जी? तमाम विपक्ष के लोग मांग क्या कर रहे हैं? विपक्ष के लोगों का केवल एक सूत्री मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो। अरे उत्तर प्रदेश सरकार पे भरोसा नहीं है किसी को? आपका यहाँ पे कोई रूल ऑफ नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल राज वाली स्थिति फैली हुई है। आपके यहाँ पे कंपनी के मालिक को डरा दिया जाता था, और ये डर का एक नाम था मुख्तार अंसारी, दो डर मारा गया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिवाली मनाई जा रही है, बहुत खुशी होती है हम लोगों को अगर एमपी हमारे कोर्ट से किसी कोर्ट से आपको फांसी की सजा दिलवा देते हैं। सरकार का काम यही बचा, सरकार के ऊपर कितने घटिया किस्म के आरोप लग रहे हैं कि पुराने आरोप है। यह आरोप सुन कहीं मुझे काफी परेशानी होती है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार के आरोप दिख रही है आपकी परेशानी बढ़ रही है राहुल जी, दिख रही है आपका दुख दिख रहा है। जैसे आपको राकेश जी
इतनी खुशी दिख रही है ना, वैसे ही आपका दुख भी सबको दिख रहा है। आपका प्यार करेगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। जो अपराधियों से प्यार करेगा, जो अपराधियों की मौत पर बात करेगा सहानुभूति बटोरने की, जो मरहम देगा, क्यों कृष्ण, क्यों कृष्णानंद राय उनके परिवार का दुख आपको नजर नहीं आता, ये बताइए जरा, नहीं आता क्या? किस तरीके से निर्मम हत्या की थी, 400 राउंड की गोलियां दाग दी गई थी, मजाक की बात है क्या सर? मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, मजाक की बात है क्या? प्रदेश अध्यक्ष है ना, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष आ जा रहा है, उनके भाई की भी हत्या हुई थी, लेकिन हत्या का प्रतिशोध संवैधानिक घूमते थे मुख्तार अंसारी, तब आप लोगों को नजर नहीं आता था उनके हाल है? बिल्कुल नजर आता था, तो फिर लेकिन उसको आप कानूनी तौर पर सजा देंगे कि आप जहर से गिरा देंगे? कैसे मान बैठे कि जहर घुरानी हुई है? आपके पास सबूत है क्या सर? मैं देखिए मैं बता देता हूं, आपके पास क्या आप सबूत है आपके पास, ये बताइए जरा मेरे को। देखिए आप घटनाक्रम का क्रोनोलॉजी देखिए, 19 मार्च को वो आरोप लगा रहे हैं कि 19 मार्च को उन्हें जहर दिया गया, वो उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है, 26 मार्च को भी उनको मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, फिर आनंद फानंद में फिर से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। आपने भी क्या बोला, उनके पेट में इन्फेक्शन था, अगर जहरीला चीज कोई खाएगा पेट में इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। तो एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी नजर आ रहा है जो आपने लिखा है, कितने मुख्तार, कितने बढ़िया डॉक्टर हैं आप, कितने बढ़िया डॉक्टर है राहुल लाल जी, आपके पास डबल डॉक्टरेट होगी, डबल डॉक्टरेट होगी आपके पास, इतनी बढ़िया डॉक्टरी कर रहे हैं आप स्क्रीन पर बैठे बैठे, मैं नहीं कर रहा, कितनी बढ़िया डॉक्टरी कर रहे हैं आप, जहर गया होगा पेट में तभी तो लीवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, ऐसी बात, आरोप लगा कि नहीं लगा, उन आरोपों को किसी ने गंभीरता से लिया?